ये हैं शाह साहब जो लोगों पर दम करते हैं, काला जादू करते हैं और आशिकों को उनकी महबूबाओं से मिलाते हैं और बहुत दूर दूर से लोग शाह साहब के पास दम करवाने आते हैं। शाह साहब, मुझे औलाद नहीं हो रही, इसका कोई अमल बताओ जिससे मेरे औलाद हो। तुम ऐसा करो, एक मौका मुझे दो। क्या कह रहे हो शाह साहब? कहने का मतलब यह है, एक दफा बेगम को ले आओ, उसको मैं दम करूं, उस पर उसको एक तवीज लिख कर दूंगा, इंशाल्लाह औलाद। वो जिन एक मर्द है और बहुत ठीठ है वो। नहीं नहीं शाह साहब, वो एक औरत है, हमने खुद देखा है। तुम्हें फिर कैसे पता पीर मैं हूँ कि तुम हो? शाह साहब, वो एक औरत है, हमने खुद देखा है, वो इसकी घड़ है पड़ी। तुम्हें फिर कैसे, कहाँ देखा तुमने उसे? वो इसकी बीवी है पड़ी, जिसने इसका जिन हराम कर रखा है। अच्छा, कुछ करें इसके लिए? ठीक है, ये मैं तावीज तुम्हें बना कर दे रहा हूँ, जो इसे पानी में घोल कर पिलाना है, इंशाल्लाह सब जिन खत्म, जड़ से खत्म हो जाएंगे। पैसे हो गए आज हमारे पास। शाह साहब, ये तो नकली नोट है। हैं? हाँ जी, वो जो दो लड़के मुझे लगता गए ना, खाना खराब होने का लगता, उन्होंने नकली नोट दिए हमें। हमने क्यों सुन, असली तावीज दिया, हमने तो नकली दिया। हाँ, ये बात भी तुम्हारी ठीक है, चलो चलते हैं। यह है मिस्टर मजनू, जो अपने बाप की तरह एक आइटम है, जिसका काम सिर्फ अयाशी करना और अपने लिफंगे दोस्तों के साथ वक्त जाया करना है। और यहाँ मजनू अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए रेस्टोरेंट आया है। भाई भाभी तो इतने खुश नसीब है, आपने उसके लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक करवा लिया। भाई सब बातें छोड़ो, ये बताओ भाभी का नाम क्या है? उसका नाम है मजनू की लैला, मेरा मतलब कि उसका नाम है लैला। भाई लड़की इतनी खूबसूरत होनी चाहिए जिसको देख के दिल ही ना बढ़े, बस बंदा देखता रहे। चुप कर, लड़की होनी चाहिए अमीर, जो हमें घर बैठ कर खिलाए, हमें टेंशन ही ना हो कमाने की। हिसाब से लड़की वो होनी चाहिए जो इशारों पर नाचे। भाई आ जाओ, बैठ जाओ, भाभी आने वाली है। नहीं नहीं, बस वो आ रही है, फिर इकट्ठे बैठते हैं हम लोग। भाई ये देखना, भाभी तो नहीं आ गई? भाभी ओ खैरे दिन देर कहाँ लगा दी तुमने? वो बस एक कमीना मेरे पीछे पड़ गया था। ये मिलो, ये मेरे दोस्त, इसका नाम है मुदम्मिल, उसका नाम है अजीजुल्लाह खान। रुको जानू, ये तुम्हारे लिए। जानू मैं आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ। ठीक है, लगाया जाए। ये है अरमान मलिक, जिसके हैदराबाद में कैसीनोज है और ये एक गैंगस्टर है। अरमान मलिक ने कभी हार नहीं मानी। ये मिस्टर मजनू का हमसाया है और लैला इसकी किरायेदार है। मिस्टर मजनू और अरमान मलिक की शुरू से ही आपस में नहीं बनती और ये गहरे दुश्मन है। हाँ तो सामने मदद लिए जा रहे हैं, चले जाओ यहाँ से, ये रेस्टोरेंट आज मैंने बुक किया हुआ है। तो मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्द आपका मेरा आमना सामना होगा, तब देखिएगी। मजनू को पकड़ लो। इतना तुम ले ला। घर चली जाए, तुम्हारे बाप को बोल दूंगा मैं। मजनू मजनू जाओ लगा, मैं इनको देख लूंगा। तो नीचे फेंक दे इसको, चले। Thank you.
भाई भाई आपको क्या हुआ है? किसने किया ये आपका? पानी तो पानी ले जाओ। पानी कौन है वो? मुझे बताओ, उसका नाम बताओ। वो भाई कौन था उसको? मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मैं और लैला चाह रहे थे। उसके ने अपने साथियों के साथ मेरे पे हमला कर दिया। ये लो शाह साहब को फोन लग। साहब शाह साहब जल्दी आए यार, मारा छोटा साहब बहुत मारा है, जल्दी आओ जल्दी। Few minutes later. किसने किया मेरे बेटे का हाल? किसने किया इसके साथ? अरमान मलिक। कौन है अरमान मलिक? जानते हो उसे? वो जिसका जुआ खाना है। तो ले चलोगे मुझे उसके? नहीं क्या कि वो तुम्हारी है या उसकी है, वो उसके दिल की मर्जी है कि वो जिसकी भी होना चाहेगी होएगी। क्या कि अब जंतर मंतर की तैयारी करें, ये ना कहीं गलती हो जाए। अच्छा तो ये बात है, आबरा का डाबरा झूठ बना दो इसको अंधेरे का भूत। हा 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 शाह साहब इनका कुछ करें, शाह साहब ये करना कुछ करना है इनका। अब तुम्हारी बारी है, डब्बे में डब्बा डब्बे में गाजर बन जा तो चिंगारी। मेरे जंतर मंत्र का मजाक बन गया ना तुम चिंगारी। फनी।